क्लास 10th के बायोलॉजी में आज जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में आवर इन्वायरमेंट का, वो आज का टॉपिक होगा बायोटिक कंपोनेंट्स। क्लास 10th के बायोलॉजी में जो आज का टॉपिक बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो उससे पहले हम लोग कहेंगे कि एक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम के जो होते हैं वो टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक जो होता है वह है बायोटिक कम्युनिटी और नेक्स्ट जो होता है वह है ए बायोटिक कम्युनिटी। तो हम कहेंगे कि बायोटिक कम्युनिटी के बारे में, बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम कह सकते हैं कि इस ऑल ओवर इकोसिस्टम में जो अलग अलग पॉपुलेशन होंगे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्पेसीज के रूप में होंगे। मीन्स दैट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होंगे, जो असेंबल होंगे, जो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, जो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, दो एक दूसरे से अटैच होंगे और फाइनल रूप में एक लार्ज पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे, और यही जो होंगे वो कम्युनिटी के रूप में आएंगे। जो कम्युनिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाएगा। अब बात करेंगे इसके अलावा इस बायोटिक कम्युनिटी में, तो बायोटिक कम्युनिटी में जो है वह सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉप्स के भी नाम से जाने जाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल, जबकि ट्रॉप्स का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिस्टर प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉप्स के भी नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर वो खुद से अपने फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चर ऑफ फूड के बेसिस पे बात करें तो कहेंगे कि प्रोड्यूसर्स जो फूड मटेरियल्स, मतलब कैसा तो अपना फूड मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूसर, वह किसके द्वारा करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा करेंगे। कौन करेंगे? प्रोड्यूसर्स करेंगे। दूसरी बात इस प्रोड्यूसर्स में कहेंगे तो क्लोरोफिल आएगा। हम कहेंगे कि यह प्रोड्यूसर्स द क्लोरोफिल को पोजेज करने का, धारण करने का काम करेगा। यह क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके द्वारा प्लांट इस क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल्स को खुद से सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे इनर्जी का, तो हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं वह सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है यानी सनलाइट से मिलती है, और प्लांट्स जो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा इस सोलर एनर्जी को चेंज करने का काम करते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि प्रोड्यूसर्स सोलर एनर्जी यानी सनलाइट का भी यूज करते हैं अपने फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज कराने के लिए। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो आउटसाइड फॉर्म में क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। कैसा न्यूट्रिएंट्स? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एज अ केमिकल फर्टिलाइजर्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, और इसी केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यह प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का, गेन करने का काम करेंगे। हम बात करेंगे अगर ट्रॉपिक लेवल का, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आते हैं, मीन जैसे सनलाइट से सबसे पहले जो, अगर सनलाइट को सबसे पहले गेन करके खुद से फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने वाले फर्स्ट फॉर्म में जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसी प्रोड्यूसर से सभी जो होते हैं वो अनदर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म डिपेंडेबल होते हैं या फिर इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जब प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, तो O2 को रिलीज करने का काम करेंगे। कब करेंगे? जब वह फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करेंगे। मीन्स दैट प्लांट्स जो ऑर्गेनिक टाइप के फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने का काम करेंगे और O2 को रिलीज करने का काम करेंगे। कब करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के दौरान करेंगे। अगर उसके बाद बात करेंगे तो आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑटोट्रॉप्स जो, या फिर प्रोड्यूसर्स जो क्या कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। मीन्स दैट ये क्या कहलाएंगे, तो ग्रीन प्लांट्स भी कहलाएंगे। अगर हम बात करेंगे नेचर का, तो प्रोड्यूसर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉप्स होंगे, क्योंकि यह खुद से ही फूड मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का, खुद से ही अपने फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे फंक्शन का, तो प्रोड्यूसर्स जो फूड मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करने का काम करेंगे फूड मटेरियल्स को। मीन्स दैट या प्रोड्यूसर्स पे ही हमारे अदर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म डिपेंडेबल होंगे। वो ट्रॉपिक लेवल या तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हो या थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो, और उसी लेवल से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कंप्लीटली भी डिपेंडेबल हमारे इस प्रोड्यूसर्स पे ही होंगे फूड मटेरियल्स के अपटेक और गेन करने के पर्पस से।
अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल का तो हम कहेंगे कि प्लांट्स को कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में किया जाता है। प्लांट्स होते हैं वह फूड चेन को भी इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर में जब यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट के रूप में फूड मटेरियल्स के लिए वन ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल होते हैं। हम बात करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक टाइप के फूड मटेरियल्स के बनाने का काम प्लांट्स के द्वारा यानी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। उसमें वो 6 मॉलिक्यूल CO2 लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल H2O लेते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल जो मीडिएटर लगता है मिस्टर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यहाँ 12 मॉलिक्यूल H2O जो 6 मॉलिक्यूल H2O में रिड्यूस हो जाते हैं जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल CO2 लगा है तो लिब्रेट कितना करेंगे, 6 मॉलिक्यूल O2 रिलीज आउट लिब्रेट करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्मिंग हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है ऑल ओवर जो यहाँ मेरा था वो प्रोड्यूसर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो है सर डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स। इससे पहले एक और टर्म की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैनमेड इकोसिस्टम के भी नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी अगर हम बात करेंगे कि स्कूल का, किसी भी अगर बात करेंगे हम बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स का, हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स का, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे गार्डनर लगते हैं। गार्डनर जो प्रॉपर केयर करने का काम करते हैं गार्डन, तो गार्डन का जो प्रॉपर केयर करते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में किया जाता है। मीन्स दैट पौधे की जो होते हैं प्रॉपर रूप में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मतलब प्रॉपर के रूप में उसकी कटाई छटाई की जाती है। मीन्स दैट कह सकते हैं कि प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कम्प्लीटली भी डिपेंडेबल होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बेसिस पे। हम कहेंगे कि जैसे एक्वेरियम जहाँ पे मछली को पालन करने का काम करते हैं, और यह बेस्ट एग्जाम्पल हमारा यह एक्वेरियम है इसके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे हम लोग कंज्यूमर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।